ये साइड करिए ना वापस। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज। आज जो है कॉन्सेक्रेशन होने वाला है राम टेम्पल का। तो राम टेम्पल कहाँ पे है किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अयोध्या में, ठीक है, स्टेट यूपी। तो रिसेंट है थोड़ा सा, ये याद रखिएगा। थोड़ा सा हम समझते हैं आज कि मंदिर का स्ट्रक्चर जो है कैसे बना है। ये आपका जो है जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं ना, ये राम मंदिर का नहीं है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, इसी स्टाइल पे बना है। इसको बोलते हैं नगारा स्टाइल, ठीक है ना, नगारा स्टाइल। और इस तरह की मूर्ति जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है काफी फेमस है। इसी तरह के ज्यादातर मंदिर बनते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझते हैं जो राम मंदिर बना है क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब देखिए पहला चीज क्या कि स्टाइल कौन सा। तो नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है जो नदन इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नदन इंडिया में क्या है ये फेमस है ये स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करेंगे ना, तो कुछ कुछ फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फीचर जो है जिसको बोलते हैं जगाती, जगती या जगाती। जगाती क्या है, तो जो बेस होता है मंदिर का, नगारा स्टाइल में जो बेस होता है मंदिर का वो है ये। जैसे ये बेस है, इसी पे पूरा मंदिर बना हुआ है। तो ये क्या है, जगाती, ठीक है। दूसरा क्या है, गर्भगृह। तो देखिए गर्भगृह है आपका ये, और ये क्या होता है ना, एकदम सेंट्रल में होता है मंदिर का। गर्भगृह कहाँ है, मंदिर के सेंट्रल में होता है, जहां पे डाइटी को रखा जाता है। डाइटी मतलब वो जो देवता की स्टेच्यू है, मूर्ति है, उनको रखा जाता है यहाँ पे। ये देखिए दिखा हुआ आइडियल। तो ये है बीच में गर्भगृह और यहाँ पे आपकी मूर्ति रखी हुई है। फिर है शिखर की बात कर रहा है, ठीक ना। तो शिखर आपका ये जो है ना ऐसे स्ट्रक्चर, तो ये क्या है आपका शिखर है, एक टावर की तरह है ये। तो ये क्या होता है, गर्भगृह से ऊपर होता है। तो ये गर्भगृह है, गर्भगृह के एकदम ऊपर होता है, ठीक है। एक दो स्ट्रक्चर और है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, मंडपम। तो मंडपम क्या होता है, तो देखिए ये है आपका मंडपम। मंडपम का क्या काम होता है, इसी के थ्रू जो है लोग एंटर करते हैं। और मंडपम का कनेक्शन कहाँ से होता है, गर्भगृह से कनेक्शन होता है। किससे कनेक्शन अच्छा, होता है सर? गर्भगृह जहाँ पे बीच में भगवान जी को रखा जाता है। ओके अच्छा एक चीज देखिए, क्या मंदिर के चारों ओर कोई बाउंड्री वॉल है, नहीं। नहीं। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, कहीं पे भी कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, ठीक है ना। कोई गेटवे नहीं है, एक तरफ से रास्ता है और उससे सभी जाते हैं, ठीक है ना। ये मंदिर के स्ट्रक्चर समझ में आई, थोड़ा यस सा सर। और समझेंगे इस चीज को कि मंदिर को बनाया किसने है, डिजाइन किसने किया है। तो डिजाइन इसको किया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। किसने किया है, चंद्रकांत सोमपुरा, और उनका बेटा है आशीष सोमपुरा। ये टेम्पल बनाने में एकदम माहिर है, प्रख्यात है, विद्वान है, नोटोरियस पर्सन है, चंद्रकांत और आशीष सोमपुरा, ठीक है। इस मंदिर जो बना है कितना एकड़ में है, तो 2.7 एकड़ में है। कितना है, 2.7 एकड़ में है इसमें। उसके बाद कितने हाँ डोम्स कितने हैं, देख डोम्स मतलब गुंबद, जो गोल गोल सा गुंबद होता है वो कितना है, तो 5 है। पिलर कितना है, तो 360 पिलर है इसमें, ठीक है। और 106 क्या है, उसको क्या बोलते हैं, शिखर है, शिखर ये है ना, शिखर 160 शिखर। समझ गया, ये कहानी मतलब समझ सर, ये में। जो ये ऊपर शिखर से है, ये 160 है, वो 106। हाँ हाँ जैसे ये देखो, दिख रहा है ना, छोटा 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 ढेर सारा शिखर है।
ओके है ना। पिलर कितना है? 360 पिलर है, ठीक है ना। गुंबद क्या होता है? गुंबद गोल गोल सा गुंबद, जैसे ताजमहल में कैसा है गुंबद ऊपर में, ओके ठीक है। तो यही सब लिखा है जो मैंने बताया, यही सब लिखा है। हाँ एक चीज और है इसमें कि किस मार्बल का बना है ये। तो देखो पिंक सैंडस्टोन और मार्बल का बना है, तो पिंक जो है बालुआई पत्थर और मार्बल का बना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंटिकेट कार्विंग एंड मोटिव्स किया गया, मतलब इसको तराशा गया, उस पर अच्छे अच्छे ड्राइंग किए गए। अच्छा बहुत लोग न्यूज में क्या बोल रहे हैं, इसमें कोई पिलर नहीं है, ये नहीं है, ये सब झूठ बातें हैं, ठीक है। तो ये रियलिटी है जो मैंने लिखा सर, ये पिंक सैंडस्टोन कैसा होता है? मतलब पिंक कलर का होता है क्या? संगमरमर के तरह, संगमरमर जो होता है ना मार्बल्स, पिंक कलर होता है। अब देखो टेम्पल में एक चीज क्या है, तो कलिंग स्टाइल ऑफ उड़ीसा, तो कलिंग स्टाइल जो मंदिर बना है उड़ीसा में वहां, और तमिलनाडु में जो चोला स्टाइल, इस दोनों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट 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 किया गया, मतलब शामिल किया गया। तो ये सब बेसिक डिटेल्स मतलब है। सर, सर जैसा ओडिशा और तमिलनाडु में है ये टेंपल, तो उसी के जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता बनाया गया इसी मतलब इसे। उससे कुछ कुछ एलिमेंट इसमें लिया गया है, ये चीज है, ठीक है। ओके ये देखिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, आप पढ़ोगे ना हर चीज इसमें आज इम्पोर्टेंट है पूरा। जीएस पेपर 2 IR, इसमें क्या दिखाता है हमारा, इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन कैसा है, क्या रिलेशन है, कहाँ पे टेंशन है, इस चीज को आज अच्छे से समझते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जो है शेख हसीना फिर से क्या हो गई, पावर में रिटर्न हो गई है, तो ये उसकी ऐतिहासिक जीत है चौथी बार, ठीक है ना। तो इनकी जो पार्टी है कौन है, आवामी लीग, तो 2/3, ठीक है ना, 2/3 जो है सीट अपने नाम की थी, मतलब वोट्स। चलो अब देखो कहता है कि हाउ हैव टाइज फ्लरिश्ड, तो इंडिया और बांग्लादेश कैसे फ्लरिश किया रिलेशनशिप। तो देखिए द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विथ बांग्लादेश वॉज लेड इन द 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो क्या करा कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रिलेशनशिप बना, कब बना, 1971 में। तो 1971 में क्या हो रहा था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था, ठीक ना। इस समय क्या किया गया था, इंडिया जो है अपने तरफ से मिलिट्री और मटेरियल सपोर्ट दिया गया था बांग्लादेश को, ठीक है, ताकि लड़ सके किससे, पाकिस्तान से लड़के अपने आप को इंडिपेंडेंस कर सके, समझ गए। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था, फिर 1971 में क्या हुआ, वॉर हुआ, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, फिर वो अलग। तो ये थोड़ा हिस्ट्री की भी बात है, ठीक है, थोड़ा ये सर, भी एक याद बार रखिए। रिपीट करना मुझे। कुछ नहीं है, 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग होने के लिए लड़ाई कर रहा था, जिसमें इंडिया क्या किया था, सपोर्ट किया था, क्या चीज से, तो मिलिट्री और मेटेरियल सपोर्ट किया था। तो तभी से इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या हुआ, रिलेशनशिप बना, ठीक है। अब कहता है कि डिस्पाइट, अच्छा इस रिलेशन के बावजूद भी क्या हुआ, कुछ सालों में हम लोगों ने वहां देखा कि वहां पे मिलिट्री रेजिम्स जो है, जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री रेजिम्स है, उसी तरह वहां भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है ना। और एंटी इंडिया सेटलमेंट जो है सेंटीमेंट, ये आपको 1970 में थोड़ा सा मिला, मतलब राइज किया, किस चीज को मैटर हुआ, तो 1970 में एक इशू है, तिस्ता वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है तिस्ता, मतलब कितना पानी इंडिया को मिलेगा, कितना बांग्लादेश को मिलेगा। एक चीज गलती कर दी, इंडिया और बांग्लादेश का मैप लगाना चाहिए था यार, चलो फिर कभी मैं लगा दूंगा। तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो, क्या था, तो एक तो था कि बाउंड्री डिस्प्यूट को लेके इंडिया के साथ, दूसरा क्या था, वाटर शेयरिंग को लेके, ठीक ना। 1970 में थोड़ा सा मतलब एंटी इंडिया सेंटीमेंट देखने को मिला। फिर उसके बाद कहता है हाँ बोलो, और ये जो तीन अभी आपने फैक्टर्स बताए, तो ये मतलब इंडिया के साथ बांग्लादेश का कुछ ये चल रहा था क्या? मतलब लाइक हाँ, प्रॉब्लम्स चल रही थी इसलिए। बाउंड्री डिस्प्यूट्स और वो वाटर शेयरिंग को लेकर थोड़ी बहुत। ओके, और सर ये मिलिट्री रिकेम्स मेरे को नहीं समझा क्या ये हमारे यहाँ मतलब। कंट्रोल कौन करता है कंट्री को, गवर्नमेंट ना, या आर्मी हाँ, कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती
हाँ जो लेजिस्लेटिव में है या एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव में है वो कंट्रोल करते हैं। तो वहां पे एग्जीक्यूटिव नहीं, वहां डिफेंस कंट्रोल कर, ठीक ओके, बांग्लादेश में करती है ना सर। है। वहां पे देखे नहीं इस बार कितने सारे वहां पे राइट्स हुए, मतलब आप न्यूज में बताया था ना मैंने, वहां पे हो हल्ले हो रहे थे कि आप इस्तीफा दे दो शेख हसीना। चलिए यस आगे देखते हैं, द इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूड। अच्छा तो कहता है कि ये जो इंस्टेबिलिटी है इंडिया के साथ बना रहा, कब तक बना रहा, जब तक शेख हसीना पावर में नहीं आए। तो शेख हसीना पावर में कब आए, 1966 में आए, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों देशों के बीच एक बायलेटरल टाइज हुआ, और इन लोगों ने क्या किया, एक ट्रीटी पे साइन किया, किस चीज पे, गंगा वाटर को लेकर, ठीक है, मतलब सर, इंडिया से गंगा पानी उसे भी मिलेगा। हाँ बोलो। 1966 में आई, फिर ये 1996। तो 1966 में पहली बार वो बनी है, पावर में आए, ये कह रहे हैं, ठीक तो है। नहीं सर, यहाँ पे 1996 लिखा है, उसकी हाँ पुष्टि थी। का यहाँ, हाँ सर, तो फिर इसमें क्या हुआ था? अरे शेख हसीना पावर में आई थी, मतलब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी थी वहां पे बांग्लादेश में, समझ गया। उससे पहले जो था वहां तभी भी इंडिया उसको मतलब सपोर्ट कर रहा था, लेकिन तभी ये पावर में नहीं थी। तो जब वो अलग हो गया तो फिर इंडिया के साथ थोड़ा बहुत एंटी सेंटिमेंट दिखाने लगा, तो ये एंटी सेंटिमेंट तब खत्म हो गया जब शेख हसीना आई पावर, ठीक है। नहीं समझे, जैसे कि हमने हेल्प किया बांग्लादेश को लेकिन वो फिर बाद में पलट गया, तो लेकिन जब शेख हसीना आई तो फिर इस चीज को समझी और इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बना। आई बात समझ में, दिक्कत है, ये दो बार जो लिख दिया है ये कह रही है क्या। सर वो जो 1996 लिखा है ना, उसकी पूछ रही हूँ कि उसमें मतलब 1996 में आई थी या 1966 में आई थी पहले? 1996 वो गलती से लिखा है सर। नहीं कहाँ, ये सर आपने जो यहाँ पे 1 9 डबल। केम टू अच्छा पावर इन, यस ये सर, यस सर, तो हम लिख दिए होंगे गलती से। ओ नहीं नहीं ओके नहीं ओके 1996, ठीक है। अब कहता है कि सिंस द, तो उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश क्या हुआ, ट्रेड, इनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और डिफेंस में क्या हुआ, अच्छे कॉपरेशन बनाए, कौन, बांग्लादेश इंडिया के साथ। चलिए ये कहानी समझ गए। अब देखते हैं इकोनॉमिक कॉपरेशन क्या है इंडिया और बांग्लादेश का। तो जब बायलेटरल ट्रेड क्या हुआ दोनों देशों के बीच हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बाद, तो ये क्या हुआ, बहुत तेजी से ग्रो किया 10 साल के अंदर। उसके बाद बांग्लादेश जो है सबसे बड़ा, ठीक ना, इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में जो है तो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बना, बांग्लादेश, ठीक है। 18 बिलियन डॉलर, 2021, 2021 और 2022 के बीच बात करें तो 18 बिलियन से लेके, हाँ 18 बिलियन तक का जो है ट्रेड हुआ, किसका, बांग्लादेश इंडिया के बीच, मतलब हमारा सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है साउथ एशिया में, बांग्लादेश है। कितना बिलियन हुआ, तो 18 बिलियन, पहले कितना था 10 बिलियन, मतलब 2000, ये आपका, 2021 में। हाँ 2020-21 में पहले था 10 मिलियन, सॉरी 10 मिलियन, अब हो गया 18 मिलियन। तो अच्छा खासा हमारा रिलेशनशिप है उनके साथ बिजनेस को लेके। फिर उसके बाद इन कहता है क्या कि एक्सपोर्ट के मामले में अगर बात करेंगे ना, तो इंडिया इज आल्सो द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ बांग्लादेश। अच्छा इंडिया जो है वो क्या है, तो बांग्लादेश के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, किस चीज को लेके, तो बांग्लादेश से जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट आता है एक्सपोर्ट होता है तो वो क्या है, हम लोग जो है सेकेंड नंबर पे हैं, किसके लिए, बांग्लादेश के लिए, ठीक है। आप लोग के लिए क्वेश्चन देते हैं, ये बताइएगा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, किसके लिए, बांग्लादेश इंडिया के लिए, ठीक है। तो बांग्लादेश के लिए हम लोग क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, किस चीज के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में। तो इंडियन मार्केट में जो वो एक्सपोर्ट करता है कितना, 2 बिलियन डॉलर का। अब देखो 2022 में क्या, दोनों नेशन जो है एक सीईपी, सीईपी एक एग्रीमेंट किया। तो इसमें, इस एग्रीमेंट के अंदर क्या किया गया,
टू रिड्यूस और एलिमिनेट कस्टम ड्यूटीज ऑन ट्रेड गुड्स एंड सिंप्लीफाई ट्रेड नॉर्म्स इज एंटीसिपेटेड टू ओपन अप ब्रॉडर स्केल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। तो सीईपीए इसके तहत क्या किया गया, दोनों देश जो है कस्टम ड्यूटीज जो लगते हैं ना ट्रेड्स गुड्स ट्रेडेड गुड्स पे जितने सारे कस्टम ड्यूटीज जो टैक्स लगते हैं इस चीज को रिड्यूस करने या खत्म करने की बात कही गई। किसके किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो इसमें क्या हुआ कि बांग्लादेश जो तो बांग्लादेश ज्यादा ग्रो किया इसमें। क्यों? तो मान लो उसका प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा, एक्सपोर्ट होगा उनका सामान, तो हम अगर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, सीधा फायदा होगा उनको। ठीक है, अब कहता है कि इसके थ्रू क्या हुआ, बांग्लादेश इज सेट टू लॉस इट्स लीस्ट डेवलपमेंट डेवलप्ड कंट्रीज स्टेटस आफ्टर 2026, देयर बाय लॉसिंग इट्स ड्यूटी फ्री एंड कोटा फ्री मार्केट एक्सेस इन इंडिया। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि बांग्लादेश जो है किस चीज के लिस्ट में था, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री मतलब सबसे कम डेवलपमेंट कंट्री। अब इससे ये बाहर हो जाएगा कब, 2026 में। अच्छा एलडीसी होता क्या है? तो एलडीसी होता है कि मान ली कि कोई कंट्री क्या है ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा, बहुत गरीब है, तो उसको डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो कैसे हेल्प करते हैं, बहुत सारे जो है ट्रेड जो होते हैं तो उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देते हैं, मतलब कि आप क्या करो कुछ भी प्रोडक्ट हमारे यहाँ से ले जाओ हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, आप कोई प्रोडक्ट हमारे यहाँ एक्सपोर्ट करोगे हम आप पे कोई टैक्स नहीं लेंगे, क्योंकि आपका देश क्या है डेवलप मतलब डेवलपिंग कर रहा है मतलब बहुत गरीब है तो आपको हम हेल्प कर रहे हैं। ये होता है एलडीसी। अब कहता तो है क्या, सर हाँ बोलो। डेवलप कंट्री और डेवलप कंट्री को डेवलपिंग कंट्री हेल्प करती है ना डेवलपिंग नहीं कहेंगे, एलडीसी। टुवार्ड्स डेवलपिंग कहेंगे इसको, मतलब टुवार्ड्स भी नहीं लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या है एलडीसी था, कौन, बांग्लादेश। अब उससे थोड़ा उभर के ऊपर आ जाएगा मतलब डेवलपिंग की तरफ आएगा। ठीक है जल्दी बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अब कहता है क्या, ढाका विल बी ईगर टू फाइनलाइज ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द न्यू दिल्ली। अब ढाका क्या है एकदम उत्साहित है क्या चीज, दिल्ली के साथ एफटीए करने को मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और दूसरा क्या है, एक सर तो ये है कि बांग्लादेश की कैपिटल है ना ढाका। हाँ, अब देखो क्या है, ये जो ढाका है एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा किसके साथ, न्यू दिल्ली के साथ मतलब इंडिया के साथ। ठीक है, अब साथ ही साथ ये क्या करेगा कि जो चाइना इसको हेल्प कर रहा है ठीक ना, रीजनल लेवल पे जो हेल्प कर रहा है किसके थ्रू, आरसीईपी के थ्रू, अब इसको भी ये सपोर्ट करेगा क्योंकि अब तो ये फल फूल रहा है इसका अच्छा बिजनेस हो रहा है। तो ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है दोनों मुद्दे। ठीक है ना, चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देख देख देखते हैं क्या है। ए मेजर डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ बांग्लादेश इंडिया इज फंडिंग सेवरल इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट सिंस 2010। इंडिया हैज एक्सटेंडेड लाइंस ऑफ क्रेडिट वर्थ ओवर $7 बिलियन। तो इंडिया कितना है उसको क्रेडिट दिया हुआ है, $7 बिलियन का। और इंडिया क्या किया, बांग्लादेश में डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट को शुरू किया हुआ है, बहुत सारे पैसा खर्च किया हुआ है इंडिया। उसके बाद कहता है क्या, दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक इनोग्रेशन कब हुआ, जब अखौरा अगरतला रेल लिंक बनाया। देखो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स से, क्या है अखौरा अगरतला रेल लिंक। तो ये रेल लिंक जो बनाया गया अखौरा अगरतला किसके किसके बीच, तो बांग्लादेश से कहाँ जाएगा ये, नॉर्थ ईस्ट थ्रू त्रिपुरा। तो जो हमारा त्रिपुरा का रीजन है और बांग्लादेश, इस दोनों को कनेक्ट करेगा कौन, अखौरा अगरतला रेल। दिखाओ क्या इमेज या यस समझ सर। जा। हाँ सर। ठीक, एक बार मैं फिगर लगाना भूल गया सर।
ये दिख रहा है आप लोग को? यस सर, यस तो जहाँ पे इंडिया लिखा है ना, और ये देखिए ढाका जो दिख रहा है, तो ढाका के ही पास यहाँ पे क्या है हमारा, त्रिपुरा है, समझ गया? तो इसलिए यहाँ पर रेल लिंक बनाया गया ताकि ढाका से अच्छे से व्यापार हो सके, यहाँ इसमें दिख रहा है। चलिए आप समझ गए ना यस मतलब, सर, सब अच्छे हैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है, ये चीज हो गया अखौरा अगरतला रेल लिंक। दूसरा क्या बोला गया, द लिंक हैज गिवन इंडिया एक्सेस टू बांग्लादेश। अब ये जो है लिंक कहाँ से फिर जुड़ जाएगा, चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स। तो ये कहाँ पे है ये भी याद रखेगा, ठीक ना? चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स कहाँ पे है, बांग्लादेश में। तो इससे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ कार्गो, तो जो हम लोग प्रोडक्ट भेजेंगे ना, या वो भेजेगा तो इंडिया से बांग्लादेश जाएगा। तो कहता है इससे क्या होगा कि जो हमारा असम और त्रिपुरा है, तो वहां पे क्या होगा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है ना? एनर्जी सेक्टर की अगर बात करेंगे, तो बांग्लादेश जो है हमारे देश से कितना इलेक्ट्रिसिटी लेता है, 2000 मेगावाट, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद एक है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है, एक मास्टर प्लान है। ये किसके किसके लिए मास्टर प्लानिंग करता है, तो इंडिया के लिए, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड के लिए। तो इन दोनों, ये सब क्या है, एक मास्टर प्लानिंग है जो एक शिपिंग नेटवर्क जोड़ता है चारों कंट्री के बीच में बिम्स्टेक के थ्रू। फिर कहता है कि अगर लेकिन हमारा जो इंटेंशन है बांग्लादेश की तरफ, किस पोर्ट की तरफ है, देखो मटरबाड़ी पोर्ट, ये भी याद रखना। मटरबाड़ी पोर्ट ये कहाँ पे लोकेटेड है, त्रिपुरा से 100 किलोमीटर की दूरी पे। मटरबाड़ी कहाँ पे है, मतलब इंडिया में नहीं, बांग्लादेश में है। तो हमारा जो त्रिपुरा रीजन है ना, त्रिपुरा से कितना है, 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और इस पोर्ट को, मटरबाड़ी पोर्ट को कौन बना रहा है, बांग्लादेश बना रहा है। और ये जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए, समझ गए, बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके किसके बीच, तो ढाका और न्यू दिल्ली के बीच में, मतलब इंडिया के बीच में। अच्छा टेंशन क्या है, तो देखिए कहता द लूमिंग टेस्टा डिस्प्यूट। टेस्टा डिस्प्यूट क्या है, वही वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। तो कहता है कि विल टेक सेंटर स्टेज इन द एजेंडा ऑफ द हसीना लेड गवर्नमेंट। तो कहता है कि ये जो है मतलब लड़ाई का मुख्य केंद्र रहेगा, कौन, टेस्टा डिस्प्यूट। कहता है कि द इशू रिवॉल्व्स अराउंड द शेयरिंग ऑफ टिस्टा वाटर्स विद बांग्लादेश सीकिंग एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो लड़ाई क्यों हो रही है कि वो उनका कहना है कि हमें बराबर पानी दो, जितना जगह रहेगा उतना ही तुम्हें पानी देंगे। दूसरा इशू क्या है, रोहांगी, ठीक ना, रोहांगिया इशूज को लेकर। अब देखो रोहांगिया का क्या मैटर है कि रोहांगिया जो लोग हैं, अब ये है बांग्लादेश के, अब ये चले गए हैं म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार ने क्या बोला कि हम नहीं रखेंगे, हम इनको यहाँ से पूरी तरह हटा देंगे। लेकिन ये जो है हसीना जी, ये क्या सोचती है कि पीसफुली जो है मतलब रोहांगी को जो है कहाँ पे, म्यांमार में जगह मिल जाए। इस चीज के लिए उन्होंने क्या किया, जो मिलिट्री जुंटा है म्यांमार में उनसे क्या की, बात की, लेकिन वो क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश जो है ये सोचता है कि म्यांमार पे दबाव देने के लिए क्या चाहिए, मोदी का, मोदी गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट का सब किसके साथ कनेक्शन है, जुंटा के साथ अच्छा संबंध है। और जुंटा ने क्या बोला, एसर्ट्स मतलब उन्होंने दावा किया कि हम जो है रोहिंग्या को क्या करेंगे, यहाँ से पूरी तरह हटा देंगे। फिर उसके बाद क्या है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन। तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या है, म्यांमार बॉर्डर, बॉर्डर मतलब बॉर्डर कवर सील नहीं किया, सील्ड नहीं किया गया है। तो इससे क्या हो रहा कि जो घुसपैठ है, क्रॉस बॉर्डर इलीगल माइग्रेंट्स है, वो भी हमारे देश में है। तो ये भी एक इंटरनल सिक्योरिटी है, हो सकता है उधर से चाइना से आ जाए घुसपैठ, ठीक है ना? तो ये चिंता का विषय है। अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे, तो यूएस जो है ऑलरेडी जो है आवामी लीग लीग गवर्नमेंट को जो है प्रेशर दिया है कि आप क्या करो, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग पे आ जाओ, मतलब कि आप डेमोक्रेटिक रूल्स पे आइए, जो लोकतांत्रिक है उसे फॉलो कीजिए। और 2021 में क्या हुआ, बाइडेन ने जो है बांग्लादेशी
एंटी क्राइम एंड एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है, जैसे हमारे यहाँ टास्क फोर्स है ना, कोई चीज एजेंसी है जांच करने की, उसी तरह बांग्लादेश में है एंटी क्राइम एंड एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स। इस पे क्या क्या सेंक्शन लगा दिया गया, ठीक ना, ह्यूमन राइट्स का हवाला देते हुए। और उसके बाद क्या किया, बांग्लादेशीज के लिए जो वीजा था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब स्टॉप कर दिया गया कि बांग्लादेशी लोग यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश से भी लोग क्या बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ने लिखने बिजनेस करने के लिए वहाँ अमेरिका। तो इस चीज, और कहता है कि जो चुनाव में प्रचार होना था, तो चुनाव में प्रचार में जो मतलब ज्यादा प्रचार नहीं कर पाई, ये ज्यादा इनका नाम नहीं हुआ, उनमें एक ये भी रीजन था कि बांग्लादेशी को वीजा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, मना कर दिया गया था यूएस आने के लिए। और हमारे लिए चिंता का क्या विषय है, ठीक ना, हमारे लिए चिंता का क्या विषय है। तो जो बांग्लादेश है और चाइना है, इसके बीच जो रिलेशंस क्या हो रहे, गहरे होते जा रहे हैं, ये हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। कैसे, तो चाइना क्या किया वहां पे बांग्लादेश में जो है 21 हाईवे बनाया, कितना, 21 हाईवे, जिसको स्टेट हाईवे कहते हैं, सॉरी 12 हाईवे बनाया, 21 ब्रिज बनाया, 27 जो है पावर एंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाया बांग्लादेश में। तो इसका मतलब क्या है कि उधर झुक रही है बांग्लादेश, तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा बॉर्डर इशू है ना उनके साथ, बॉर्डर रिलेशन है किनके साथ, बांग्लादेश के साथ। इसलिए ये देखिए एक मॉस्किटो फिश, ठीक ना, तो इसमें दुनिया भर का चीजें लिखा है, हमारे काम का नहीं है, जो रिसर्चर है उनके लिए है, हमारे लिए काम का इतना है। मॉस्किटो फिश क्या होती है, तो पानी में जो मछली के अंडे है ना, क्या कहते हैं, पानी में जो है, सॉरी, मच्छर जो मॉस्किटोज है, मॉस्किटो जो एग है या मॉस्किटो है, उनको ये खा जाती है, इसी को बोलते हैं मॉस्किटो फिश। और इस मॉस्किटो का क्या नाम है, गैम्बोसिया, क्या नाम है बोलो, गैम्बोसिया। अब थोड़ा सा इनका देखते हैं कहानी क्या है। तो 1960 में क्या हुआ, ये जो है एक प्रोमिनेंट फॉर्म में उभर के आया, क्या चीज, ये मॉस्किटो फिश। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट आया, क्योंकि ये क्या हुआ, एक अल्टरनेटिव हुआ केमिकल सॉल्यूशन लाइक पेस्टिसाइड्स, मतलब कि अगर पानी में मछली को मारना है, सॉरी, पानी में अगर मॉस्किटोज को मारना है या मॉस्किटोज के अंडे को, तो हम क्या करते थे, केमिकल यूज करते थे। तो केमिकल सॉल्यूशन, तो जैसे पेस्टिसाइड केमिकल्स होता है, जैसे मच्छर मर गया, तो उसके जगह हम क्या किए, ये जो है इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो गया, तो इसलिए ये जो है थोड़ा प्रोमिनेंट हुआ। अब कहता है क्या कि विच वर फाउंड टू हैव डायर एडवर्स इफेक्ट्स ऑन बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। अच्छा, तो जो हम केमिकल सॉल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता था, ह्यूमन हेल्थ और जो हमारा इकोसिस्टम है दोनों पे प्रभाव पड़ता था, तो इसलिए ये जो है अच्छे हमारे लिए, कौन, मॉस्किटो फिश। और ये कब ज्यादा बढ़ा इसका डिमांड, 1980 से लेकर 1990 के बीच, तो गैम्बोसिया स्पेसीज जो है मॉस्किटो फिश का, तो मॉस्किटो फिश के जो स्पेसीज है, सब स्पेसीज नहीं, गैम्बोसिया, ठीक ना, ये तो ये सबसे पहले ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, यूएस में हुआ था, लेकिन अभी क्या है पूरी दुनिया भर में ये फेमस है। चलो उसके बाद क्या कहता है, गैम्बोसिया जो है इंडिया में पहली बार कब लॉन्च किया गया, तो 1928 में, जब ब्रिटिश रूल था तब। फिर उसके बाद जो है वेरियस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज ICMR एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च टू कवर एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट्स टू कॉम्बैट कॉम्बैट मलेरिया। तो उसके बाद ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट जो मलेरिया रिसर्च का, इन्होंने क्या किया, मलेरिया को, मलेरिया के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, मलेरिया को एलिमिनेशन के लिए, हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया, इस चीज में ज्यादा पार्टिसिपेट किया। अभी जैसे पंजाब उधर तमिलनाडु में जो है ना इस चीज को ज्यादा यूज किया जा रहा है। कहता है अमंग मॉस्किटोज प्रेडेटर्स वर टू स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो फिश। तो मॉस्किटो फिश का दो स्पीसीज कौन कौन सा है, एक है गैम्बोसिया एफिनिस, दूसरा क्या है, गैम्बोसिया हॉलब्रोकी। तो ये दो स्पीसीज है जो क्या करती है, मच्छर को या मॉस्किटो एग को खाते हैं। एक देखो पेम्बा इफेक्ट है, क्या है, पेम्बा, पेम्बा इफेक्ट, इसको मैं कहानी की तरह समझाता हूँ। अगर आपको जैसे वाटर है, वाटर को आइस बनाना है, कैसे बनता है, अगर मान लो हॉट वाटर आपको दे दे, तो हॉट वाटर को आप क्या करोगे, पहले कूल करोगे, कूल होगा ना, यस सर।
उसके बाद क्या होगा, फ्रीज होगा। लेकिन अगर हॉट वाटर कूल ना होकर डायरेक्ट ये फ्रीज हो जाए, आइस बन जाए, इसको बोलते हैं पेम्बा इफेक्ट। ठीक है, समझ में आई? एक बार और वापिस बताइए। जैसे मैं कह रहा हूँ हॉट वाटर है, तो हॉट वाटर पहले क्या होगा, नॉर्मल होगा, फिर नॉर्मल से क्या होगा, फ्रिज होगा, आइस होगा, ये प्रोसेस है। लेकिन कहता है कि हॉट वाटर डायरेक्ट क्या होने लगेगा, फ्रिज होने लगेगा। डायरेक्ट फ्रिज मतलब गर्म पानी अपने आप, मतलब पहले जो है बर्फ ही बनने लगेगा। ये है पेम्बा इफेक्ट। तो ये क्या है, थ्योरी के अगेंस्ट है, तो इस पे बहस चल रही है। ठीक है, तंजानिया के एक स्टूडेंट है, पेम्बा नाम है उनका, उन्होंने ही ये मतलब अपना थ्योरी दिया। ठीक है, और कहता है ये जो फ्रीज करेगा ठंडे पानी से ज्यादा फ्यूज करेगा। ठीक है ना, समझ गए? चलिए, तो जिनको अच्छा लग रहा है क्या कीजिए, थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल, चलिए।